मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। आज से ठीक 6 साल पहले वो संत खूब रोया। वो हिंदू सम्राट बिलख रहा था। उसके आंसुओं से संसद की जमीन गीली हो पड़ी थी। मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं। उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। उसके पहनावे पर, उसकी हिंदू छवि पर, उसकी जनसेवा की सोच पर। वो इतना रोया कि 100 करोड़ हिंदू भी उसे देख आंसू बहाने लगे थे। उसका परिवार भी, उसकी फूल बेचने वाली बहन भी, उसका रिटायर फौजी भाई भी। लेकिन वो दिन इतिहास बन गया था, क्योंकि उसने उसी दिन ठान लिया था अपना टाइम भी आएगा। और जब एक कर्मठ हिंदू सम्राट कसम खा ले पापियों के सर्वनाश करने की, तो उसे आज तक कोई रोक नहीं पाया। साल गुजरे, इस बीच 5 बार मुलायम मायावती ने उसे सलाखों के पीछे भी भेज दिया। मुझे 11 दिनों तक गोरखपुर जेल में क्यों रखा गया। लेकिन उसकी जहन में अभी भी वो आंसू थे, वो पीड़ा थी कि ये लोग हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों करते हैं। उसका बस एक नारा था, अमर हिंदू स्वाभिमान से दुनिया भर में डोलेगा, जहां गिरेगा लहू हमारा जय जय श्री राम बोलेगा। अब हिंदू भी जागने लगा था। एक से बढ़कर दो और दो से बढ़कर करोड़ों संत के साथ होने लगे। फिर साल आया 2017। अचानक उसे फोन आता है, आप कल मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। उस फोन में कहा जाता है, आपने हिंदुओं को बचा लिया। वो फोन प्रधानमंत्री जी का होता है और शपथ लेने वाले योगी आदित्यनाथ जी होते हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि वो आंसू आदित्यनाथ जी को शपथ लेते समय भी याद थे। तब हर हिंदुओं ने योगी जी के लिए कहा था, हाथों में मशाल चाहिए, रक्त में उबाल चाहिए, लहराएंगे हम भगवा, साथ में योगी जी जैसा शेर चाहिए।